नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ आपण मानक मो चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज हूँ एप्रिल मास 11 तारीख मंगलवार। आज मुं पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। भिडियो को शेष पर्यटन देखते चैनल नुआक आसते दयाक चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे आसवा बेल आइकन प्रेस कर रखु। तेज डेरी नक चलत आज खबर पर नजर पकड़। तेज आज प्रथम खबर पढ़ला आधार राशन कार्ड लिंक अवधि जानतु केमी करेंगे संजोग। गरीब लोक मैं सरकार पक्षर विभिन्न योजना करा सरकार योजना जपरी बाट मारणा न हो विभिन्न प्रकार पदक्षेप नि गरीब मानक गहम चाउल और अन्न्य सामग्री जगह दे सरकार आई कि नियम रही योग्य हिताधिकारी चिन्हट सरकार किसी मानदंड प्रस्तुत कर सरकार पक्ष हिताधिकारी आधार और राशन कार्ड संजोग करने को पूर्व एने कहता बेले आधार और राशन कार्ड संजोग शेष तारीख मध्य धार्य कर जार समय सीमा एवं सरकार वृद्धि कर जून 30 तारीख जाए यार समय सीमा वृद्धि करभय ऑनलाइन और ऑफलाइन द्वारा आपड़ यह संजोग करेंगे। भारतीय नागरिक मैंने पीडीएस सामग्री पाइबाक राशन कार्ड हो एक गुरुत्वपूर्ण परिचय। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़। पीएम किसान बड़ अपडेट यह मसने आसपे 14वां किस्ती पाख रखि था डॉक्यूमेंट। पीएम किसान सम्मान योजनार 14वां किस्तीर तारीख शीघ्र करते केन्द्र सरकार एक किस्ती एप्रिल और जुलाई 2023 मध्य मिलबार आशंका रही। तेज यार 13वां किस्ती 26 फरवरी 2023 जारी करता। एपरी परिस्थिति में योजन सामिल होता नुआ चाषी को परवर्त किस्तीर लाभ उठाई शीघ्र आवेदन करने को पड़े। यह पूर्व जो चाषी मैंने आवेदन कर सारी निजर स्थित जांच करेंगे। वर्तमान कृषक मैंने 14वां किस्ती अपेक्षा करते सरकार को उच्चाभिलाष योजना सहित प्राय 9 कोटी कृषक जड़ित अच्छा। योजना अधीन कृषक मैंने प्रतिवर्ष 2000 टंका पाते सरकारी योजनार हिताधिकारी वार्षिक 6000 टंका देते। योजन पंजीकृत कृषक मैं सरकार किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक करार उद्देश्य हो कृषक मानक आर्थिक सशक्तिकरण करवा। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़। पीएमएमवाई 23.2 लाख कोटी मंजूर। गत 8 वर्ष मध्य देश लक्षाधिक क्षुद्र और मध्यम वर्ग उद्योगी मैंने उन्नति करता बेले देशर अर्थनीति मध्य प्रमुख योगदान हासिल करता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मत प्रकाश करते। विशेषकर उक्त योजनार 8वां वार्षिक पूर्ति उत्सव उपलक्षे शनिवार अर्थ मंत्रालय पक्षर आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में जोग दे अर्थमंत्री कहते 2023 मार्च 24 मध्य देशर बैंक और फाइनेंशियल संस्था द्वारा प्राय 41 लाख हिताधिकारी 23 लाख कोटी टकर अधिक परिमाण आर्थिक सहायता जोगाई दी जाएगी। अपरपक्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 23.2 कोटी अधिक टंकार देशर 40.82 लाख हिताधिकारी विभिन्न आर्थिक संस्था द्वारा ऋण मंजूर कराई अर्थ मंत्रालय पक्ष से देशर रोजगार सृष्टि कर कार्यकलाप माइक्रो उद्योगी 10 लाख टंका पर्यंत सहज बंधक मुक्त ऋण को सहज करने पीएमएमवाई लक्ष्य रखी। योजना अधीन अर्थर आवश्यकता और व्यवसाय परिपक्वता पर आधार कर ऋण को 3 श्रेणी विभक्त कर। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़। असह्यताति फुटुची राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सकाल सकाल असह्य ताति सूर्यर पहली किरण भी असह्य गरम अनुभूत हो राजधानी भुवनेश्वर असंभव ताति आकाशर अग्नि वर्षा होती बढ़िया सह सकाल 11:30 में 37.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड हो सारे। राजधानी समेत अन्य किसी स्थान में मध्य भीषण गरम अनुभूत हो दिन बढ़िया सह रात तापमात्रा बढ़िया लगी। तीन दिन है असह्य गरम और गुड़गुड़ जो आउट पाउट हो गला राजधानीवासी और मध्य ताति बढ़िया आंचलिक पापा केन्द्र पक्षर ट्विट कर जनाई। राजधानी भुवनेश्वर प्रबल गरम सकाल 8:30 सुधा भुवनेश्वर 31 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होता कालीठार राज्य में बढ़े ताते स्वाभाविक ठार 2-3 डिग्री पर्यटन तापमात्रा वृद्धि हो पूर्वानुमान कर आंचलिक पापा केन्द्र। वायु चलाचल तारतम्य गत सप्ताह हो राज्य में कालबैशाखी तांडव जारी रही। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़। 10 पास पर रेलवे चाकरी करने को चाहते कि बाहर निजुक्ति तुरंत करूँ आवेदन चाकरी आशार सभ्य रही। तेज चाकरी आशायी मानी खुशी खबर। भारतीय रेलवे ग्रुप सी कि उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर अधीन ग्रुप डी कर्मचारी आसीस्टाट लोक पायलट नियुक्ति पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। साधारण विभाग प्रतियोगिता परीक्षा आधार में पार्टी चयन कर प्रार्थी मैंने जो मैंने एनडब्ल्यूआर आसीस्टाट लोक पायलट पदवी में आग्रह से 7 अप्रैल RRCGAIPUR.in रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट प्रदर्शन करी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2023 पर्यंत चालू रहिबो। निजुक्ति प्रक्रिया मोट 238 पदवी पूरण हो प्रार्थी मैंने जो मैंने पोस्ट गुड़िक चाकरी पाया आग्रह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़। डाक विभाग संचय अकाउंट
सहज है पीपीएफ और एसएस को टंका स्थानांतर करिबा सरकार आरंभ कले सुविधा आपण बर्तमान आपंकर बैंक आकाउंट रु सीधासख पोस्ट ऑफिस सेविंग आकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि आकाउंट एसएस को एनईएफटी और आरटीजीएस माध्यम से स्थानांतर करेंगे। जोगाजोग मंत्रालय नूतन निर्देश एसबी ऑर्डर नंबर 9/2023 वर्तमान बेनिफिशियरी जोग नक योजना गुड़क अनलाइन टंका स्थानांतर करो। जोगाजोग मंत्रालय द्वारा जारी कर आदेश में कहुई आपंकर बैंक आकाउंट डाकघर संचय आकाउंट पीपीएफ और एसएससी आकाउंट को हिताधिकारी जोग नक टंका ट्रांसफर करेंगे। जोगाजोग मंत्रालय एक सर्कुलर जारी कर आकाउंट धारी और कर्मचारी मध्य कौन सचेतनता ना यह कारण संपृक्त संस्था द्वारा बैंक आकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग आकाउंट पीपीएफ और एसएससी को एनईएफटी और आरटीजीएस माध्यम से स्थानांतर करने को निष्पत्ति। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा सुनादर आकाश छुआ किणा पूर्व जांच करूँ मूल्य हु हो बढ़ी चलती सुनार दाम दिनक दिन सुनार दाम वृद्धि पाथ्वर चिंतार ग्राहक आज सुनार कार किसी पर देखा मिली। आज भुवनेश्वर 10 ग्राम 24 ग्रेड सुनादर 60,430 रही है। सेपर 22 ग्रेड सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 55,400 टाँचा रही है। 22 ग्रेड सुनार मूल्य 1 ग्राम पिछा 5,540 टाँचा होता बेले 8 ग्राम पिछा 44,320 टाँचा रही है। कटक सुनादर में परिवर्तन देखा मिली 22 ग्रेड सुनार मूल्य ग्राम पिछा 5,540 टाँचा होता बेले 8 ग्राम पिछा 44,320 टाँचा रही है। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा आज पेट्रोल और डीजल दर उपर नजर पकातु गाड़ी टांकी तेल पकाए पूर्व प्रथम नजर पकातु के आज पेट्रोल और डीजल दर भुवनेश्वर आज पेट्रोल दर 103.19 पैसा रही है। डीजल दाम प्रति लिटर पिछा 94.76 पैसा रही है। सेपर देश के प्रमुख स्तर में पेट्रोल और डीजल दर किसा पर दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 96.72 पैसा और डीजल दर 99.62 पैसा अच्छी। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 106.31 पैसा होता है। डीजल लिटर पिछा 94.37 पैसा रही है। सेपर कोलकाता पेट्रोल दर 106.03 पैसा थी बेल डीजेल दर 92.76 पैसा रही है। चेन्नई में पेट्रोल दर 102.73 पैसा थी बेल डीजेल दाम 94.33 पैसा रही है। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा 21 वर्ष मिल 65 लाख टंका सुकन्या समृद्धि योजना केन्द्र सरकार तरफ लागू होता एक बढ़िया स्कीम जहाँ खासकर झील तैयारी जहाँद्वारा भविष्य को सुरक्षा दे हेब यह मध्य अनेक लिमिट रही है जहाँ अंतर्गत आपड़ निज सुविधा अनुजाई टंका डिपोजिट कर लाभवान हो पारे जदि आपड़ भी निज झीर भविष्य को सुरक्षित रखा चाहते तेज यह योजना सबुठार बेस्ट रोक पाठपढ़ा आरंभ कर बह पर्यटन सब चिंता को दूर कर स्कीम एक खास स्कीम आपको झील को 21 वर्ष पर लखाधिक टा मिल तेज आपको बेस किसी करवाक पड़े ना केवल प्रतिदिन किसी टाँचा डिपोजिट करवाक सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबा अवधि स्कीम जो थे आप नवेश निज झी को पाठ पढ़ाई पारे और तरह भविष्य को सुरक्षित करेंगे एस टाँचा देवाक पड़ब ना तेज एथे टाइम लिमिट को नहीं स्कीम रही है। 21 वर्ष स्कीम्रे किसी निर्दिष्ट टाँचा लिमिट को सेट कर सरकार स्कीम्र सुध दर एवं 7.6% रु 8% को वृद्धि कर। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा कृषक उत्पादक संगठन लगे कैबिनेट मंजूर कला 313.61 कोटी कृषक उत्पादन संगठन लगे कैबिनेट मंजूर कला 313.61 कोटी आज बसवा राज्य कैबिनेट बैठक में कृषक उत्पादक संगठन लगे 5 वर्ष 313.61 कोटी मंजूर कर 2023-24 आर्थिक वर्ष 2027-28 आर्थिक वर्ष मध्य अर्थ कृषक उत्पादक संगठन को सहायता भाव मिल क्षुद्र और नाम चाषी को सहायता सह भूमि विकास में सहयोग लगे कृषक उत्पादक संगठन काम कर आगामी 5 वर्ष 1,000 अधिक कृषक उत्पादन संगठन 3 लक्ष अधिक चाषी को सहायता करने दिग्गर योजना कराद्वारा चाषी मानक उत्पादक खाद्य शस्य को उचित मूल्य बिक्री करने अधिक आय करेंगे बोले आशा करके राज्य सरकार ओडिशा विधानसभा 2023-24 आर्थिक वर्ष साधारण बजेट स्वतंत्र कृषि बजेट उपस्थापन करते कृषि क्षेत्र में एथर बजेट 24,829 कोटी व्यय बराद करसंतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा पुणी 6,000 मुहा संक्रमण 14 मृत देश में पुणी उपर मुहा कोरोना संक्रमण गत 24 घंटे 5,880 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती देश में लुचो काली खेलुची कोरोना संक्रमण दिने बढ़े दिने कमुचे गत किसी दिन हे जो संख्यार आक्रांत संख्या वृद्धि पाया लगी समस्त छंका पशे गत 2 दिन तेज लगातार कोरोना संक्रमण 6,000 ऊपर रोता बेले गत काली संख्या 5,000 को खसी आसला आज पुणी 6,000 मुहा कोरोना मामला गत 24 घंटे 5,880 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती एने केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष सूचना दी जाए स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार आज नुआ 5,880 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले या मिसाई मोट आक्टिव संख्या 35,19,090 पहुंची। तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकाइबा बेरोजगारों खुशी खबर एप्रिल 1 बैंक खाता को आसीबो बेकारी भत्ता
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को पूर्व घोषणा अनुजाई आसंता एप्रिल 1 तारीख राज्य में बेरोजगारी को 2500 टंका लेखाएं मासिक बेकारी भत्ता दिया योजना अनुजाई योग्य हितधिकारी को यह अर्थ से बैंक अकाउंट माध्यम से प्रदान किया दक्षता वृद्धि पदक्षेप निजित सहायता जगह दीजिए जो बेरोजगार कृषक पर वार्षिक आय 2.5 लाख ऊर्ध हो ना टाँग मिले तेज एथपाई छत्तीसगढ़ नागरिक होता आवश्यक और सामान बयस एप्रिल 1 सुधा 18-35 वर्ष मध्य होता आवश्यक एसओ ही पेंशन पाया हितधिकारी अतिक्रमे जो स्वीकृति प्राप्त बोर्ड द्वादश श्रेणी पास करेंगे और सामान नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण होपर आवेदनकारी को निजर कौन से रोजगार न से जो आय प्रमाणपत्र देते जड़े तहसीलदार किंवा राजस्व विभाग अधिकारी